मंगलवार की देर रात 12 बजे 21 दिनों के लिए कोरोना वायरस को लेकर लगाए गए लॉकडाउन को लेकर बुधवार को सहारनपुर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। वहीं दो पहिया वाहनों को पुलिस ने रोककर उन पर कानूनी कार्रवाई भी की। कोरोना नियंत्रण आवास आकस्मिक ड्यूटी, ठीक है। किसका साइन हो रहा है? सर फोटो लगाओ, अपना फोटो लगाओ। ऐसा क्या सर, कौन है ये? तुम्हारा आई कार्ड दिखाओ। दिखाओ सहारनपुर जमा मस्जिद के इमाम कारी अरशद गोरा ने नगर वासियों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस को लेकर लगाए गए लॉकडाउन का सभी लोग पालन करें और बेवजह सड़कों पर घूमने से बचें और अपने घरों के अंदर ही रहें। ये अपील करता हूं कि चौराहों पर, गलियों में इस तरीके से लोग जमा ना हो, एक जम्मो गफीर ना इकट्ठा करें, अपने भी सेहत का ख्याल करें और दूसरों का भी सेहत का ख्याल करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। तरह तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, कोई तो काफूर लौंग और कोई कुछ बांधने को कह रहा है, कोई किस बांधने को कह रहा है, ये गलत है। कोई किसी आलिम की तरफ नस्बत करता है, कोई किसी की तरफ नस्बत करता है, कोई कहता है कि ऐसा क्यों हो गया, ये गलत है, इस किस्म के ध्यान न दें। कोई कहता है कि ये परेशानी आने वाली है, परेशानी आने से पहले नहीं बताती है। दूसरी बात यह है कि मस्जिद में जो अकाबिर का मशवरा है कि चंद लोग बैठ जाएं ताकि मस्जिद भी आबाद रहे और वहाँ बैठकर अल्लाह अल्लाह करें, फासले से बैठें, इकट्ठे ना हों और फासले से बैठकर उसमें दुआ करें, अल्लाह इस बीमारी से जल्द से जल्द पूरी दुनिया को नजात अता फरमाए। तीसरी बात यह है कि कुरान में भी कहा गया है कि आप खाना खा रहे हैं और पड़ोसी भूखा हो, ये गलत है। गरीबों का ख्याल रखें, मिसकीनों का ख्याल रखें, मजदूरों का ख्याल रखें। जो साहिब हैसियत हैं, जिस घर में खाने को है और दूसरा जो है भूखा है, उसका ख्याल रखें, ये भी शरीयत कहती है और इसका बहुत बड़ा अल्लाह के यहाँ अजर है। गरीबों का भी ख्याल रखें।